समाजवादी पार्टी में अब शकुनी को लेकर संग्राम शुरू हुआ है। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव को आज शकुनी कहकर गीता पढ़ने की सलाह दी। असल में विवाद अखिलेश यादव के अध्यक्ष पद न छोड़ने की वजह से हो रहा है। शिवपाल याद दिला रहे हैं कि वादे के मुताबिक अखिलेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ें और मुलायम को अध्यक्ष बनाएं, लेकिन अखिलेश इस मूड में नहीं दिख रहे। अब नाम तो पड़ ही गया है उनका, पूरे प्रदेश में, देश में नाम पड़ गया है, उन शकुनी को अब गीता पढ़ना चाहिए, अब गीता पढ़ना चाहिए। रामगोपाल यादव को शकुनी बताकर गीता पढ़ने की सलाह शिवपाल यादव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रामगोपाल ने शिवपाल को पार्टी का संविधान पढ़ने की सलाह दी है, जबकि शिवपाल मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को वादे के मुताबिक पार्टी की कमान मुलायम को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हम सरकार बना के नेताजी के चरणों में डालेंगे और ये जो अध्यक्ष पद है 3 महीने के बाद दे देंगे। तो अब वो वचन का पालन जरूर कर दें, उसी में अच्छा है समाजवादी पार्टी के लिए। यूपी चुनाव से पहले पार्टी का तख्त पलटने की स्क्रिप्ट रामगोपाल यादव ने लिखी थी। जनवरी में मुलायम सिंह से अध्यक्ष पद लेकर अखिलेश यादव को पार्टी का प्रमुख बना दिया गया था। तब अखिलेश ने ही 3 महीने बाद पार्टी का पद वापस करने की बात कही थी। अखिलेश के मूड को देखकर लगता नहीं कि वो वादा पूरा करने वाले हैं। यही वजह है कि शिवपाल नया मोर्चा बनाकर आगे की राजनीति का प्लान बना रहे हैं। देखिए, सेकुलर लोग हैं पूरे देश में, बहुत सेकुलर लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो और हम से बात भी हुई है बहुत से लोगों की। कुछ नाम भी तो बताइए। अब नाम तो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, हमारी बात भी हुई है। तो हम एक मोर्चा बना करके लड़ाई को लड़ेंगे। यहाँ दर्शकों को बता दें कि शिवपाल यादव अखिलेश के सगे चाचा हैं, जबकि रामगोपाल यादव मुलायम सिंह के चचेरे भाई, लेकिन पार्टी की लड़ाई में सगे चाचा से ही अखिलेश की अदावत है। अब राजपाट जाने के बाद एक बार फिर पार्टी पर कब्जे की लड़ाई होती दिख तो रही है, लेकिन लगता नहीं कि इस लड़ाई में शिवपाल ज्यादा दिन तक जमे रह पाएंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।